नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश और आज हम बात करेंगे क्लोबिनेट जीएम के बारे में, जो कि दांत खाज खुजली के लिए एक असरकारक दवाई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए हुए बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों क्लोबिनेट जीएम क्रीम, जिसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दांत खाज खुजली या फोड़े फुंसी या किसी भी प्रकार के चर्म रोग के लिए। लेकिन दोस्तों, कई लोग इसे गोरा होने के लिए यूज करते हैं लेकिन उसका नुकसान उन्हें बाद में पता चलता है। तो इसे यूज करने के लिए सिर्फ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दांत खाज खुजली के लिए, स्किन के किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि दांत खाज खुजली, फोड़ा फुंसी, उस स्थिति में आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने स्किन पे यूज करेंगे गोरा होने के लिए, तो यह धीरे धीरे आपके स्किन को पतला करता जाएगा और आपके स्किन में रेडनेस आना शुरू हो जाएगा और दाग धब्बे भी नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इसे अपने चेहरे पे यूज ना करें। दोस्तों, इसमें है क्लोबेटासोल प्रोपाइनेट 0.05%, साथ ही दोस्तों इसमें है नियोमाइसिन सल्फेट 0.5%, साथ ही दोस्तों इसमें मिकोनाजोल नाइट्रेट 2% मिलाया गया है, साथ ही दोस्तों इसमें है क्लोरोरेसोन 0.1%, जो हमारे स्किन में होने वाले चर्म रोग, दांत खाज खुजली को मिटा देता है और बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट मिलता है और यह हमारे स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे दाग खुजली या फोड़े फुंसी है उस जगह पे आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं और यह केवल बाहरी उपयोग के लिए है। दोस्तों, इसके MRP रेट की बात करें तो यह आपको मात्र 48 रुपये में मिल जाएगा, जो कि 10 ग्राम के पैक में अवेलेबल है मार्केट में। और दोस्तों, इसे इनस्वीप कंपनी कम बनाती है, जो काफ़ी अच्छी व पुरानी कंपनी है। तो अपने आप इसे यूज कर सकते हैं अपने शरीर के समस्त चर्म रोग के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।